हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की हिंदी की बुक का पार्ट 10 करेंगे। क्योजिमल और कैसे केसलिया। क्योजिमल और कैसे केसलिया कहानी में लेखक सुबील शुक्ला जी ने मज़ेदार ढंग से दो दोस्तों के माध्यम से आटा सानकर रोटी बनाने की विधि बताई है। दो दोस्त हैं क्योजिमल और कैसे केसलिया। क्योजिमल हमेशा क्यों क्यों करते रहते हैं और केसलिया हमेशा कैसे कैसे करते रहते हैं। इनके सवालों से लोग परेशान होकर हमेशा इनसे दूर ही रहते हैं। कभी कभी इन दोस्तों की मुलाकात भी हो जाती है तो ये अपने सवालों से लोगों को परेशान करते रहते हैं। एक बार इन दोस्तों की मुलाकात गुरुजी से हो गई, जो साइकिल से गेहूं पिसवाने जा रहे थे। उन्हें रास्ते में क्योजिमल और कैसे केसलिया मिल गए। सवाल पर सवाल पूछने लगे। गुरुजी से पूछा, कहाँ जा रहे हो? गुरुजी ने बताया कि आटा पिसाने। आपको साइकिल कहाँ मिली? तो उन्होंने बताया कि शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। आप आटा पिसवाने क्यों जा रहे हो? रोटी बनाने के लिए, गुरुजी ने कहा। रोटी कैसे बनेगी? आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, ये सब गुरुजी ने कहा। क्योजिमल ने कहा, सानेंगे लेकिन क्यों? आटे में थोड़ा पानी रहता है, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बेली हुई रोटी को पकाता है, इसीलिए इसे सानेंगे। केसलिया ने कहा, कैसे सानते हैं रोटी? परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे, गुरुजी ने कहा। पहले पहले सारा आटा बिखेरेंगे, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे। क्योजिमल ने कहा, परात पर क्यों सानेंगे? गुरुजी ने कहा कि तुम लोगों की क्यों कैसे में मेरी चक्की बंद हो जाएगी। केसलिया ने कहा, बंद हो जाएगी लेकिन कैसे? जब तक क्योजिमल और कैसे केसलिया को इसका जवाब मिलता, तब तक गुरुजी अपनी साइकिल पर परेशान होकर चढ़कर जा चुके थे। तो बच्चों, ये कहानी थी क्योजिमल और कैसे केसलिया की। बच्चों, अब हम करेंगे इसके शब्दार्थ। जवाब कहते हैं उत्तर को, भटकते होता है खोजते। पिसवाना कहते हैं गेहूं को आटा के रूप में निर्मित करने को। सानना होता है गूंधना। चुटकी होता है बहुत थोड़ा। और पैदल कहते हैं पैरों से चलने को। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? गुरुजी थैली में गेहूं लेकर चक्की में आटा पिसाने जा रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है, क्योजिमल और कैसे केसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? उत्तर है, क्योजिमल और कैसे केसलिया अपने बेकार के प्रश्नों से लोगों को परेशान करते हैं। उनके सवालों का कभी कोई अंत नहीं होता, इसीलिए हम उनके सवालों से भटकते रह जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी साइकिल क्यों दे दी? उत्तर है, शिवदास जी अपनी गाड़ी गुरुजी को दे दी क्योंकि गुरुजी बुजुर्ग आदमी थे। यदि वे गेहूँ सर पर लाद कर ले जाते तो उन्हें बहुत परेशानी होती। इन्हीं सारी समस्याओं से परिचित होकर शिवदास ने गुरुजी को गाड़ी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं, अब इन कामों के लिए हम कहाँ जाएंगे? आटा खरीदने के लिए हम कहाँ जाएंगे? किराने की दुकान या आटा चक्की पर? पंचर बनवाने के लिए पंचर की दुकान पर जाएंगे। दूध खरीदने के लिए किसी डेयरी पर या फिर ग्वाले के पास जाएंगे। जूते की मरम्मत करने के लिए हम मोची के पास जाएंगे। और सुराही खरीदने के लिए कुम्हार के पास जाएंगे। कॉपी के लिए हम स्टेशनरी की दुकान पर जाएंगे। और बाल कटवाने के लिए हम नाई की दुकान पर या फिर सैलून में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमें कुछ सामान के चित्र दिए गए हैं, हमें उनके नाम बताने हैं और बताना है उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कप प्लेट, कप प्लेट का इस्तेमाल होता है चाय पीने के लिए। अचार का डिब्बा, अचार के डिब्बे का प्रयोग होता है अचार रखने के लिए। कढ़ाई, कढ़ाई में हम सब्जी या फिर पूरी बना सकते हैं। करछी और चम्मच, सब्जी चलाने और लेने के लिए। खाना खाने के लिए हम चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। चूल्हा, खाना पकाने के लिए हम चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। थाली और कटोरी का भी इस्तेमाल हम खाना खाने के लिए करते हैं या खाना रखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमें बताना है कि आटा सानने को और क्या कहते हैं। जैसे आटा सानने को हम आटा गूंदना भी कह सकते हैं, आटा गलाना भी कह सकते हैं, आटा मलना भी कह सकते हैं, आटा मारना भी कह सकते हैं या आटा लगाना भी कह सकते हैं। अब हमें बताना है रोटी को अलग अलग जगहों पर क्या फुलाया जाता है। रोटी को चपाती भी कहते हैं, फुल्की भी कहते हैं, फुल्का भी कहते हैं,
रोटला भी कहते हैं और टिक्कड़ भी कहते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं जो कि रोटी बनाने की प्रक्रिया है। हमें इन पर बताना है कि पहले कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है और ऐसे ही उन्हें नंबर देने हैं। जैसे सबसे पहले गेहूं का चित्र, फिर दूसरे नंबर पे आएगा गेहूं पिसकर आटा बन गया, फिर तीसरा आएगा आटे को हमने गूंद लिया, फिर चौथा आएगा उस गूंदे हुए आटे के गोल गोल टिक्की सी बना दी, फिर पांचवा आएगा उसे चकला बेलन पर बेल दिया, फिर छठा आएगा गैस पर उसे सेका, और सातवां जो बहुत सारी रोटी रखी है, हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई। तो रोटी बनाने की ये प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम गेहूं पिसवाने के लिए चक्की पर जाते हैं। अब हमें बताना है चक्की पर और क्या क्या चीज़ पिस सकती है। चक्की पर चावल पिसवाए जा सकते हैं, चना पिसवाया जा सकता है, मक्का, बाजरा, दाल, जो ये सब चक्की पर पिसवाया जा सकता है। तो बच्चों, ये थी हमारी क्योजीमल और कैसे केसलिया की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें।